यहीं करीब में गोकाक वगैरह में भी आप लोग जा करके वहाँ पर मालूम कर सकते हैं, रिपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं कितने लोगों को जो है पानी के अंदर हम लोग उतर के वहाँ पर रेस्क्यू का काम किए हैं। इसके अलावा कोविड का जो फर्स्ट लॉकडाउन था, आप लोग जानते हैं कोविड का मसला था फर्स्ट लॉकडाउन में कि कोई उसके करीब नहीं आ रहा था, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस वक्त कि बॉडी को कैसा ट्रीट किया जाए, बॉडी के करीब जाना नहीं जाना, कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो वैसे हालात में एक रिस्क उठाकर पहल करके पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स जो है पहुँच कर वो जो भी डेड बॉडीज थे उनको एक इज्जत के साथ में उनका बरियल का जो भी फ्यूनरल का जो भी प्रोसेस था वो पूरा काम को अंजाम देकर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक इसी तरीके से जहाँ कहीं भी जब भी जो है हालात की ज़रूरत पेश आई है पॉपुलर फ्रंट का कैडर हमेशा उस फील्ड के अंदर उतर करके काम किया है। इसके साथ साथ ये तंजीम बनाने का एक मकसद ये भी था कि उस वक्त जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब बताए कि वहाँ पर सचार कमेटी की रिपोर्ट उस वक्त थी और गुजरात के हालात थे, आसाम के नल्ली के हालात थे। मुझे याद है गुजरात का वो दंगा जिसके अंदर बाबू बजरंगी नाम का एक आदमी ये कहता है, आज भी उसकी आवाज़ मेरे कान में गूंजती है, वो फख्र के साथ ये बात बोलता है कि जो हामिला औरत जिसको मैंने मारा उसकी बच्चेदानी को मैंने अपने त्रिशूल पर रखने के बाद अपने आप को महाराजा के जैसा मैंने फील किया। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले उस दंगे के जो लोग थे वो आज भी आज़ाद और फ्री घूम रहे हैं। तो ये जो हालात वहाँ पर पेश है आसाम के नल्ली के अंदर आप लोग देख सकते हैं कैसे एक वहाँ पर कुआं में जिंदा लोगों को जो है पकड़ के खींच के उसमें फेंका गया कैसा था और वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया था, वो लोग ख़त्म हो गए। वहाँ पर एक औरत जो है लास्ट में बच गई, वो इसलिए बची क्योंकि वो ड्रामा करने लगी कि मैं मर गई हूँ, तो वो मर गई समझ करके उसको छोड़ करके चले गए। वो एक औरत बची, उस एक औरत की वजह से सारी डॉक्यूमेंट्री भी बनकर है वहाँ। तो यही मजलूम के आहे हैं, सिसकियाँ हैं बच्चों के और जो है शहीदों का खून है और वो नौजवानों के कटी टुकड़ी लाशें हैं जिसके वजह से ये तंजीम बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके हक के लिए लड़ते रहेगी और लड़ेगी इंशाल्लाह। आज हम लोग देख रहे हैं, आज का हालात हम लोग देख रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं। हाल ही में हम लोग पिछले महीने देखें कि एक सांसद होता है जिसके अंदर शपथ ली जाती है कि मुसलमानों का कत्लेआम के लिए हम लोग तैयार होंगे, हर चीज़ अपनी कुर्बान करेंगे। उसके साथ साथ कर्नाटका के अंदर हम लोग देखते हैं स्कूलों के अंदर जो है शपथ दिलाई जाती है उन मासूम बच्चों को, बजाय तरबियत करे बजाय स्कूल की अच्छी तालीम उनको दिए उनको जो है ये चीज़ की शपथ दिलाई जाती है कि आप लोग भी तैयार हो जाओ, अपनी कुर्बानी पेश करो कि आप मुसलमानों का कत्लेआम के लिए तैयार हो रहोगे। हम लोग देख रहे हैं हालात कैसे बदलते जा रहे हैं। एक वो हिंदुस्तान था जिसको सोने की चिड़िया बोली जाती थी, आज का एक हिंदुस्तान है जो पूरे इंटरनेशनल शेम बन चुका है। हम लोग इंशाल्लाह हमारा हर चीज़ लगाएंगे, हमारे हर कुर्बानी देंगे, लेकिन इस हिंदुस्तान को वापस से सोने की चिड़िया इंशाल्लाह बनाएंगे। अल्लाह अकबर। 2007 से यहाँ तक की जो हमारी जर्नी है ये जर्नी भी कोई आसानी से ऐसा निकल कर ऐसा जर्नी नहीं है। ये जर्नी के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं हमारे कई सारे भाई आज भी जेलों के अंदर है, फेक केसेस है जेलों के अंदर है। कई सारे हमारे भाई शहीद हो चुके, मुस्तफ़ा कावूर आप लोग नाम सुने होंगे, ये जेल के अंदर हमारा भाई शहीद हो गया, इनके दो बच्चे आज भी हमारे सामने वो बच्चे आते हैं। बहुत सारे भाइयों के कुर्बानियों के बाद ये तंजीम यहाँ तक पहुँची है। ये झंडे के अंदर जो लाल कलर है ये लाल कलर सिर्फ इनकलाब के लिए नहीं, हमारे भाइयों का खून का कलर है। इंशाल्लाह इनके खून का हर एक कतरे का बदला लिया जाएगा इंशाल्लाह, और इनकलाब ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से आने वाले जितने भी हमारे कैडर्स हैं हम हर एक कैडर को जो है ओपनली एक बात कहते हैं कि आप लोग अगले मुस्तफ़ा हो सकते हैं, आप लोग अगले मुस्तफ़ा हो सकते हैं, आप लोग अगले सलाहुद्दीन हो सकते हैं, आप लोग उसके लिए तैयार हो जाओ, अपने अपने सर पर कफन बांधने के लिए तैयार हो जाओ, और अगरचे इस चीज़ के लिए तैयार हैं तभी इस रास्ते में आप लोग आ सकते हैं। हम लोग देखे हैं किस तरीके से दलितों के ऊपर यहाँ पर अत्याचार होता है, हाथरस के अंदर एक दलित की बच्ची का रेप होता है, रात के 2 बजे
खुद डिपार्टमेंट जा करके उसकी बॉडी को जलाते हैं, जबकि पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग उसका आखिरी जो भी फ्यूनरल का प्रोसेस हम लोग करेंगे, आप हमको दे दो हमारी बच्ची, लेकिन डिपार्टमेंट ये भी नहीं पसंद करता कि हम लोग अपनी बच्ची को उनके हवाले करें। फिर होता क्या है कि रात के 2 बजे जाकर के जलाने के बाद अगले दिन जब वहाँ पर मिलने के लिए कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं, कुछ एक्टिविस्ट जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको रोका जाता है, रोक करके उनके ऊपर UAPA जैसे चार्जेस लगाए जाते हैं। आज आप लोग देख सकते हैं सिद्दीक कप्पन नाम के एक जर्नलिस्ट आज भी जेल में है, रऊफ शरीफ वो भी आज भी जेल में है, तकरीबन 1.5 साल हो गया। हाल ही में त्रिपुरा का हमारे सामने इंसिडेंट हुआ, त्रिपुरा के इंसिडेंट के अंदर भी हम लोग देखे हैं, त्रिपुरा के इंसिडेंट में एक जर्नलिस्ट सिर्फ ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हैं कि त्रिपुरा इज बर्निंग, त्रिपुरा इज बर्निंग, सिर्फ ये ट्वीट करने की वजह से उनके ऊपर UAPA लगाया जाता है। वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग के लिए 3 वकील जो है वहाँ पर पहुँच कर वहाँ का एक ग्राउंड रिपोर्ट निकाल कर वहाँ पर लीगल फाइट करने के लिए पहुँचते हैं, तो इन तीनों एडवोकेट्स के ऊपर भी UAPA लगता है। तो आज के हिंदुस्तान के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर भी हमला होते आ रहा है, और हम लोग इंशाल्लाह जिस तरीके से एक हाथ में कुरान पकड़े हैं उसी तरीके से एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ कर हम लोग लीगल फाइट करेंगे, और इंशाल्लाह इस हिंदुस्तान को ये फिस्ताई ताकतों के हाथ में जाने से रोकेंगे इंशाल्लाह।